हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रेलवे के लिए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स है 2019 और 20 के जो महत्वपूर्ण घटना है उसके ऊपर आधारित है। आपको बता दूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपका RRC ग्रुप डी और RRC NTPC का जो एग्ज़ाम है 2 या 3 महीने बाद कंडक्ट किए जाएंगे, तो बेहतर ये रहेगा कि आप लोग जो एग्ज़ाम होने वाले इसके लिए अभी से एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें। इसके लिए मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। आपके लिए बता दें कि आपके जो ये एग्ज़ाम होंगे RRB NTPC हो गया या फिर ग्रुप डी होगा या फिर कई सारे एग्ज़ाम SSC के भी होने हैं, इसमें करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनका एक अपना इम्पोर्टेंस होता है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल आपके लिए क्या है। सबसे पहला सवाल हमारे आज करंट अफेयर में आता है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो आपको बता दूँ, ये जनवरी का करंट अफेयर चल रहा है, तो आपको जो इम्पोर्टेंट डेट होता है मंथ वाइज उसको भी कलेक्ट कर लेना चाहिए करंट अफेयर में। तो इसका ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन है 18 जनवरी, 24 फरवरी, 26 जनवरी या फिर 1 फरवरी। तो आपको अगर सही जवाब बताएं तो सही जवाब होता है 24 जनवरी। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल ले लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हाल ही में किस देश को रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आदेश दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कौन से कंट्री को यह आदेश दिया है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और आपके सामने जो ऑप्शन है, बांग्लादेश, भारत, भूटान या म्यांमार। अगर आप लोग को सही जवाब नहीं पता है तो मैं आप लोग को सही जवाब बता देता हूँ। आप इस सवाल का जो सही जवाब है म्यांमार। म्यांमार को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि ये मुसलमान थे, परेशान होकर म्यांमार से भारत की तरफ आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ किया गया है। किस स्टेट के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ किया गया है। तो आपके सामने जो ऑप्शन आ जाते हैं वो आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या झारखंड। अगर सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है उत्तर प्रदेश, यानी कि योगी जी का जहाँ के चीफ मिनिस्टर है उस उत्तर प्रदेश में ये कल्याणकारी योजना किसानों के लिए लाई गई है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि बर्थ टूरिज्म के नाम पर दूसरे देशों में आने वाली गर्भवती महिलाओं को रोक लगाने के लिए नई पाबंदी का ऐलान किया गया है। यानी कि जो दूसरे कंट्री के जो ऐसी महिलाएँ जो कि गर्भवती है हमारे कंट्री में ना आए, क्योंकि अगर उस कंट्री में उनका बर्थ हो जाता है तो वो कंट्री के लिए नागरिकता की डिमांड कर सकते हैं उस कंट्री में अपने बच्चों के लिए। तो ये कौन सा कंट्री जिसमें रोक लगाया है। अगर आपके पास ऑप्शन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका या कनाडा। अगर सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है सी, अमेरिका। अमेरिका में गर्भवती महिला अगर प्रवेश करती है तो बर्थ टूरिज्म के नाम पर उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में 644 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपके सामने ऑप्शन होता है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या असम। अगर सही जवाब की बात करें तो सही जवाब है असम। असम में हाल ही में 644 उग्रवादियों जो थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है मुख्यमंत्री के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महाराष्ट्र के बाद अब किस राज्य सरकार ने स्कूलों में संविधान प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि जो आपके बुक होता है उसके बाहर ही प्रस्तावना लिखा जाता है, पहले से 10वीं तक 12वीं तक के जो भी बुक होते हैं, लेकिन प्रस्तावना को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के बाद एक और स्टेट है जिन्होंने प्रस्तावना को भी पढ़ाने के लिए अनिवार्यता किया है। तो आपको बता दें जो आपके लिए इसको ऑप्शन मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या उत्तर प्रदेश। अगर सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में एक समारोह में कितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? बाल शक्ति 2020 से रामनाथ कोविंद ने कितने बच्चों को एक साथ सम्मानित किया है? और आपके सामने ऑप्शन है 59, 30, 49 या 18। अगर हम सही जवाब की बात करें तो सही जवाब होता है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली ब्लास्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है? आप गजनबी का सफल परीक्षण जो है कौन से कंट्री ने किया है? अगर आपके पास ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आ जाता है आपके आगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान या इराक। अगर सही जवाब की हम बात करें तो सही जवाब हो जाता है इसका पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके आगे, हाल ही में ग्रीन प्रिस इंडिया द्वारा जारी एयर पोकोलिक्स रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कितने भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार है? अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन मिल जाता है 121, 111, 125 या 231। अगर हम सही जवाब की बात करें तो हमारा सही जवाब हो जाता है 231। 231 शहर में अभी भी जो प्रदूषण का लेवल है वो काफ़ी हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस वायरस के कारण चीन के वुहान शहर में यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था? कौन से बीमारी के कारण चीन का जो वुहान शहर है वहाँ पर यात्रा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था? अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमें ऑप्शन मिल जाता है कोरोना वायरस, इबोला वायरस, हंटा वायरस, लस्सा वायरस। अगर सही जवाब की बात करें तो ये था कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से जनित लोगों को चीन के वुहान शहर में यात्रा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये कुछ आज के करंट अफेयर्स थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और साथ ही सभी देशवासियों को बिहार डेलीगेशन की तरफ से गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की ढेरों शुभकामनाएँ।